शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की प्रेरणा से अंचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पर्याय बन चुके शारदा समूह ने स्वच्छ समाज स्वस्थ समाज के लिए नगर में समग्र स्वच्छता अभियान की संकल्पना की। समूह के संचालक ओम शर्मा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के आग्रह के बाद से स्वच्छता के प्रति देश में जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन आज भी अनेक क्षेत्रों में इसे लेकर काफी कार्य करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से समूह ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से समग्र स्वच्छता अभियान चलाने का प्रण किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सामूहिक स्वच्छता से स्वच्छ समाज का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज समूह की संस्था मातृपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के सहयोग से स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत विद्यार्थियों ने क्षेत्र की साफ सफाई करने के साथ ही आसपास के दुकानदारों से स्वच्छता को अपनी आदत बनाने का आग्रह किया। आज के इस कार्यक्रम में झाबुआ की प्रथम नागरिक कविता सिंगार, जिला कलेक्टर रजनी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों एवं संस्था के सभी स्टाफ ने सहभागिता की। नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन के भरोसे प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आपके द्वारा स्वयं स्वच्छता अभियान चलाकर नागरिकों को जागरूक करने का उपक्रम निश्चित ही सराहनीय है, क्योंकि आचरण से सिखाई हुई बातें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। झाबुआ से ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या आप अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपने शहर को या अपने गांव से बात करते हैं तो कभी भी प्रशासनिक तंत्र या शासकीय लोग हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गंदा करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, साफ करने वाले बहुत कम लोग हैं। जब तक समाज इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक कोई काम मतलब अच्छा हो नहीं पाता। फ्रेंड मान लीजिए अगर उसकी सफाई करती थी संस्था ने या किसी शासकीय ने तो, लेकिन उसको लगातार चलाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। और आप लोग जो आज यहाँ कर रहे हैं कि आप स्वयं भी सफाई कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वच्छ रखने में हमारे शहर को अपना योगदान दें, ये बहुत ही अच्छा एक अच्छी पहल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे छात्र होते हैं, आप लोग भी नर्सिंग के छात्र हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण एक सही है कि छात्र की या बच्चे की देश का भविष्य होता है। तो आप जैसा आज सीखेंगे जैसा करेंगे वैसा आपका जीवन लग चलेगा और वही चीज़ आपके अंदर को सिखाएंगे भी, और वो चीज़ जो अच्छा अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं, समाज की अच्छी चीज़ें हैं वो आगे ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं आशा करूँगी कि आपका ये प्रयास सफल हो, सभी लोग इसे प्रेरित हों। हम लोग प्रयास करेंगे झाबुआ को अगली बार जो सुरक्षा की रैंकिंग होती है उसमें हम इसमें अच्छा रैंकिंग कर पाएँ और सफाई में जिले का, शहर का, हमारे जितनी नगर पालिकाएँ हैं उनका प्रदर्शन अच्छा हो। आप लोग के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों में ये प्रयास करें कि आपका साफ रखें और उसमें योगदान दें। आप सबको बहुत बहुत बधाई और